देखो इस तरह से मारपीट आप करोगे तो फिर मैं बिल्कुल कोऑपरेट नहीं करूंगी आपके साथ बिल्कुल। प्रियंका जी पुलिस आपको कहाँ लेके जा रही है? आपको आगरा क्यों नहीं जाने दिया जा रहा है? पुलिस हर बार आराम से हटवा दो मैडम कह रही है पुलिस हर बार आपको आपके साथ ये व्यवहार करती है उत्तर प्रदेश में घर से निकलते गिरफ्तार करती है आपका क्या सोचना है इस पे? क्या गिरफ्तारी कर दी गई है? पुलिस लाइन ले जाया जा रहा है। कहाँ पर कहाँ पुलिस लाइन? पुलिस लाइन। क्या दिक्कत आ रही है मैम आपको? अभी कोई दिक्कत नहीं है, बात हो गई है, सब कोऑर्डिनेट किया है, सहमत हो गई है। क्या प्रियंका गांधी को आगे नहीं बढ़ने दिया जाएगा? नहीं ऐसा नहीं है, जैसे उच्च अधिकारियों से जो निर्देश प्राप्त होंगे उसी क्रम में कार्रवाई होगी। बार बार ऐसा हो रहा है आपके साथ, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। तुम इस तरफ रखो, अपराध हो रहे हैं हर रोज, जो अपराध कर रहा है उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं है, पुलिस वहाँ नहीं है, किस इसका लॉजिक तो बताइए ना। वहाँ की जिला मजिस्ट्रेट ने पकड़ लिखा है। अच्छा क्या दिखाई जरा मुझे दिखाई क्या दिखाई थोड़ा सा। आगरा का मैं पत्र है, आप बताए बताए क्या करो उसमें कराए। अरे निकालिए जरा। मैं सर को व्हाट्सएप कर दूं सर? सर को क्यों करेंगे, मुझे दिखाइए। नहीं हर बार जाने से रोक देते हैं, कहीं घर से नहीं निकलने की क्या तरीका है? यहाँ 144 है क्या जी? 144 कब से लागू? 144 आगरा में लागू है? आगरा में भी लागू है, यहाँ भी लागू है। काहे का 144 सड़क पर चलने के लिए 144 का जुलूस था, मैं बयारों से जुलूस को बयार रुका गया। नहीं सड़क पर चलने के लिए 144 लागू है, सड़क पर नहीं चल सकते? चल सकते, सब गाड़ी बंद करो। अध्यक्ष जी आप क्यों चल रहे हैं? अरे भैया हम आपको सर विधिक चीज बताएंगे। नहीं नहीं क्या दिक्कत है भैया कहीं जाने में? दिक्कत क्या दिक्कत है? डीएम आगरा ने पत्र लिखा है मैम, इसलिए मैम जी हम लोग से मेरा निवेदन है मैम आप कृपया। निवेदन तो मैं समझ रही हूँ, मैं ये नहीं समझ पा रही हूँ कि मुझे कहीं भी जाने से आप रोक रहे हैं। नहीं मैम इसमें धारा 144 लागू है मैम, इसलिए मैं नहीं रोक पाऊंगा, मैं नहीं जाता हूँ। वहाँ डीएम ने पत्र लिखा है 144 से तो हम तीन लोग चलते हैं। नहीं दोनों जगह लागू मैम, यहाँ भी वहाँ भी लागू है मैम। आज आप लौट जाएं, लोग चलते हैं मैम, अभी दो तीन लोग अनुमति है। भैया कुशीनगर में लागू है जहाँ मोदी जी 10,000 की भीड़ लेके इकट्ठा है? नहीं वहाँ कुशीनगर में है कि नहीं 144? कुशीनगर में है कि नहीं 144 बताओ ना भैया, कुशीनगर में 144 है कि नहीं? कुशीनगर में है कि नहीं है? कुशीनगर का क्यों प्रधानमंत्री भाषण दे रहे हैं वहाँ? कुशीनगर क्यों मुख्यमंत्री भाषण देंगे? ऐसे थोड़े होता है, आपका दिए कानून
नहीं आप कानून बना रहे हो। मैं नहीं कह दिया सर, आप जो कह दे कानून, बाकी जो कहे वो कुछ नहीं। अध्यक्ष जी मैं अजीब हाल है भाई, समझदार है मैं, बहुत समझदार होती डीएम की, मैं हम लोग नहीं। इसमें क्या डीएम की अनुमति है? सड़क पर चलने के लिए डीएम की अनुमति चाहिए? सड़क पर चलने के लिए डीएम की अनुमति नहीं चाहिए? चलो भैया मैम प्लीज मैम गाड़ी चलाओ। मैम आप क्या कहते हैं, आप गाड़ी चलाओ। मैम आप राष्ट्रीय नेता हैं, क्या कहना है इनका? पुलिस भी मैं जाना चाहती हूँ वहाँ से, क्या मैं रास्ते क्योंकि इनको पॉलिटिकली कन्वीनियंट है, किसी को कुछ हुआ है मिलना चाहती हूँ। उसमें कौन सी वापस। अरे गाड़ी पर मत पीटो, गाड़ी पर मत पीटो, गाड़ी पर पीटो।